फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक दो पहियों पे चलने वाला रॉकेट। जी हाँ दोस्तों, ये वो बाइक है जिसे चलाने के लिए पुलिस से चाहिए था एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, RX 135 यामाहा का ये ब्रांड। इसके लिए हमें, जी हाँ दोस्तों, इसे ख़रीदने से पहले हमें चाहिए था पुलिस द्वारा सर्टिफाइड एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये वो बाइक है जिसे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था बिना कैरेक्टर सर्टिफिकेट के। इसका रजिस्ट्रेशन भी आप इसे ख़रीद भी नहीं पाते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके टैकोमीटर की, ऑन कर लेते हैं पहले यहाँ से। टर्न बाय टर्न इंडिकेटर, ये न्यूट्रल की एक लाइट, इसके बाद हाई बीम और ये सिंपल सोबर ऑन ऑफ स्विच। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं 140 की इसकी स्पीड है, लेकिन ये पहली वो बाइक है जिसके अंदर 140 का मीटर है। उसके बावजूद ये 140 नहीं तो 130 की स्पीड का क्लेम मैं इसका करता हूँ, ये 130 क्लेम करती थी। एवरेज के मामले में तो थोड़ा ही कमी था, लेकिन इसकी आप फिट एंड फिनिशिंग देख सकते हैं। अभी तो इसको पूरे तरीके से मॉडिफाई कराया गया है। दोस्तों, ये बाइक अपने ज़माने के नौजवान लड़कों की दिलों की धड़कन हुआ करती थी। जब कोई लड़का यामा से निकला करता था तो उसको ऐसे देखते थे, आज की डेट में जो हायाबूसा लेकर अगर कोई निकले उसको भी नहीं देखेंगे। बाकी ये वास्तव में दो पहियों पर चलने वाला एक रॉकेट था जिसको आज तक किसी बाइक ने फेल नहीं किया है। आप आज भी अगर इस बाइक को कहीं देखेंगे किसी शौकीन बंदे के पास, तो ये मिनटों में हवा से बात करती है। इसका पिकअप इतना हाई, ये टूटी ऑयल से चलती है, ये टू स्ट्रोक बाइक है। इसमें पेट्रोल के साथ साथ टूटी ऑयल अलग से डलवाना पड़ता है। बाकी बाइक की स्पीड मैंने आपसे बताया 140 का इसमें मीटर है। बाकी बहुत सी बाइक ऐसी भी थी जिन्होंने मीटर फेल किया, जिनका पिकअप इतना ज़बरदस्त कि 140 की स्पीड से ये बाइक दौड़ती थी, लेकिन इन्हें पकड़ना, यामा वालों को पकड़ना किसी के बस की बात नहीं। बाकी आप देख सकते हैं कितना अच्छा वर्क, एकदम रेट्रो लुक, क्रोम और फिनिशिंग ज़बरदस्त। आज की डेट में इतना अच्छा वर्क इसके ऊपर हुआ है, एकदम ओरिजिनल बाइक बनाकर तैयार कर दी गई है। और इसका जो काम हुआ है वो हमारे मुजफ्फरनगर शहर के ही एक मैकेनिक ने किया है। बाकी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। Dream.